डॉक्टर ममता खांडेकर MNS न्यूज लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी के सामने दिग्विजय और सिंधिया एक दूसरे से भिड़े, हुई तीखी नोकझोंक। फिर एक बार हल्दीराम फूड इंटरनेशनल लिमिटेड नागपुर के फूड रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग ने मारा छापा। अखिल भारतीय वीरश्य योग संगठन की तरफ से हर साल कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को जिला बीड में भव्य राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जाता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार रात बैठक हुई। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। यह बैठक राहुल गांधी की मौजूदगी में ही मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। शुरुआती बहस कुछ ही देर में तूतू में बदल गई। यह सब कुछ राहुल गांधी इनकी मौजूदगी में हुआ। दोनों के बीच जब बात नहीं बनी तो विवाद सुलझाने के लिए राहुल गांधी को 3 सदस्यीय समिति बनानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक सिंधिया और दिग्विजय की खुली जंग से राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। 3 सदस्यीय समिति के सदस्य अशोक गहलोत, वीरप्पा मोइली और अहमद पटेल की इस समिति ने पार्टी के वॉर रूम गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में रात 2:30 बजे तक मामले को सुलझाने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हुए। पार्टी की ओर से सभी नेताओं को इस विवाद पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर एक बार हल्दीराम फूड इंटरनेशनल लिमिटेड नागपुर के फूड रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग ने मारा छापा। मैगी के बाद अब हल्दीराम पर खतरा मंडराने लगा है। नागपुर के खाद्य विभाग की टीम ने हल्दीराम के एक आउटलेट पर छापा मारकर सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। पहले भी अमेरिका इस देश ने हल्दीराम के एक प्रोडक्ट में कीटनाशक और बैक्टीरिया पाए जाने की वजह से हल्दीराम के उत्पादनों पर बैन लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र सरकार ने भी हल्दीराम के उत्पादनों के जांच के आदेश दे दिए हैं। नागपुर में हल्दीराम के 14 उत्पादनों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। नागपुर का खाद्य विभाग इन दिनों सक्रिय है। पिछले 2 दिनों से इस विभाग के अधिकारी मशहूर फूड चेन हल्दीराम के आउटलेट पर पहुंची। करीब 14 उत्पादनों के सैंपल खाद्य विभाग ने लिए। इसमें से कुछ नमकीन और स्वीट आइटम है। इन सभी सैंपल्स को सीलबंद लिफाफे में जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट 7 से 8 दिनों में आने की उम्मीद है। नमकीन, पोटैटो चिप्स, सेब, नमकीन मिक्स, नमकीन टकाटक, सोन पापड़ी इत्यादि के सैंपल खाद्य विभाग ने जांच के लिए सीलबंद किए। हल्दीराम के कुछ उत्पादनों में पेस्टिसाइड लेवल और बैक्टीरिया लेवल की जाँच करने के आदेश खाद्य विभाग को मिले थे। 6 महीने पहले भी जांच के द्वारा हल्दीराम के 2 दूध उत्पादनों की गुणवत्ता में कमी पाई गई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय वीरश्य योग संगठन की तरफ से हर साल कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को श्री क्षेत्र कपिलधार तालुका जिला बीड में भव्य राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जाता है। इस साल भी 28 नवम्बर को दोपहर 4 बजे 23वां राज्य मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में शिवा संगठन की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के वीर शिव लिंगायत समाज के मान्यवरों को शिव राष्ट्रीय भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सम्मान चिन्ह और सम्मान पत्र ये पुरस्कार का स्वरूप है। संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक मनोहर धोंडे इन्होंने हाल ही में इन पुरस्कारों की घोषणा की। शिवा राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार परभणी के शहीद वीर जवान कैलाशवासी शुभम सूर्यकांत मुस्तापुरे इनको मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। उत्कृष्ट ज्येष्ठ समाज सेवी शिवा पुरस्कार माजी मंत्री हरिभाव नाईक नागपुर इनको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उत्कृष्ट कीर्तनकार पुरस्कार, उत्कृष्ट हारमोनियम वादक पुरस्कार इत्यादि पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। ऐसी जानकारी प्राध्यापक मनोहर धोंडे इन्होंने दी। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।